الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفسه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله हज़र निगरामीर भी अलैहि वसल्लम के हक़ूक़ के ताल्लुक से हम मालूम कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शादत रबी अव्वल के नौ तारीख को हुई और आप इस दुनिया से रबी अव्वल की बारह तारीख़ को कूच फरमा गए और बारा रबी अब्बल को साहब कराम गम से निढाल थे किसी ने कोई जशन नहीं मनाई वो म्यूज़िक वो बैंड बाजे धोल ताशे जिसको नबी ने हराम करार दिया जिस पर अल्लाह के रसूल ने लानत की फिटकार की आज नबी के नाम पर महब्बत रसूल स़रत रसूल जुलूस महमदी फुला फुला के नाम पर मिलाद के नाम पर उस नबी की तलीमत को बदनाम किया जा रहा है हजरीन प्यार नबी के एहसानात बेशुमार हैं और नबी के एहसानात के बदले में नबी के कुछ हकूक़ हम पर आयद होते हैं इन हकूक़ को बजा लाना ही नबी की मोहब्बत का सबूत है नबी की तात व फरमाबरदारी का सबूत है और अगर इन बातों पर हम अमल पैरा नहीं है चाहे ज़बानी कितने दावे कर लें ये सारे दावे सिर्फ़ दिखाने और जताने के हद तक है हकीकत में कुछ और नहीं कुछ नहीं है आज पैर नबी सल्लम के हक़क़ में से हमने मालूम किए कि नबी पर ईमान लाना इसी तरह से नबी से मोहब्बत करना और नबी से महब्बत का लाजमी तकाजा ये है कि नबी की इत करें जैसे कि मैंने अभी खुदबा मौसौ के बाद आपके सामने सौरा इमरान की आयत पढ़ी जिस आयत के तल्ल से मुफ़्रन ने लिखा है कि महब्बत के इम्तहान की आयत है कि अगर मोहब्बत है उसका इम्तहान यही है कुन तुम तो अल्लाह अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो फे तो तुम मेरी इतात करो यानी नबी की इतात ये अल्लाह की मोहब्बत क्या सबूत है मोहब्बत के लिए दलील है अगर तुम नबी की इतात करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे लिए दलील है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो रसूल से मोहब्बत करते हो नबी की और फरमाबरदारी से अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को भी माफ फरमाएगा और यग फिर और इसी तरह से नबी जिनसे मोहब्बत करते हैं हम भी उनसे मोहब्बत करें नबी साहब कराम से मोहब्बत करते थे हमें भी चाहिए कि साहब कराम से मोहब्बत करें सहाबा में से किसी एक सहाबी से बैर रखना नफरत रखना अदावत रखना या उनका जिक्र शर करना बुरे अलकाब से याद करना उन पर इल्ज़ाम तराशना कुछ भी करना ये अपने ईमान को बर्बाद करने की अलामत है अल्लाह को तकलीफ देने के बराबर हैं रसूल को तकलीफ देने के बराबर हैं क्योंकि साहबा कराम को अल्लाह तला ने सिलेक्ट किया है के बरगुजीदा हैं चुनिंदा हैं वो चुनाचे से मुस्लिम की सही रिवायत हैं प्यारे नबी वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सारे इंसानों आदम से लेकर कयामत की सुबह तक आने वाले सारे इंसानों के दिलों को देखा जांचा परका उनमें अल्लाह ताला ने नबियों का इंतख्य फरमाया फिर नबियों में अल्लाह तखिरी नबी का इंतख्य फरमाया फिर सारे इंसानों के दिलों को अल्लाह ने देखा देखने के बाद आखिरी नबी के सहाबा के तौर पर अल्लाह ने सहाबा का इंतखा फरमाया अल्लाह ने सिलेक्ट किया अब बताओ साहबा पे उंगली उठाना साहबा पे इल्ज़ाम लगाना साहबा पे जबान दराजी करना सहाबा पर लान तान करना क्या अल्लाह पर लान तान करने के बराबर नहीं है अल्लाह पर उंगली उठाने के बराबर नहीं है अल्लाह पर इल्जाम तराशने के बराबर नहीं है क्योंकि अल्लाह ने सिलेक्ट किया है तो गोया कि अल्लाह का सिलेक्शन गलत हुआ। कितनी बड़ी बात है इसलिए देखो हजरत आयशरदी अल्लाह तहा पर जब लोगों ने बदकारी का इल्जाम लगाया अल्लाह को बहुत गुस्सा आ गया बहुत गुस्सा आ गया आप कुरान उठाकर देखे यानी अल्लाह ने ऐसे गजबनाकी के अंदाज में वही उतारी सारे कुरान में उतना गजबनाकी का अंदाज नहीं है क्यों क्योंकि आयशा का इंत नबी बीवी के तौर पर किसने किया अल्लाह ने किया तो आयशा पे जबान दराजी करना अल्लाह के इंतखाब और सिलेक्शन पे उंगली उठाने के बराबर है कितनी बड़ी बात है तो सहाबा से नबी मोहब्बत करते थे हम भी सहाबा से मोहब्बत करना है सहाबा से नफरत तो इनाद रखना ये निफाक की अलामत है ईमान को बर्बाद करने की अलामत है याद रखो और नबी के हकूक में से एक हक तलफी का नाम है अगर हम सहाबा से और नबी जिनसे मोहब्बत करते थे उनसे मोहब्बत करेंगे तो नबी का हक अदा होगा नबी और किन से मोहब्बत करते थे नबी हसन हुसैन से मोहब्बत करते थे हमें भी हसन हुसैन से मोहब्बत करना है नबी अपने आले बैत में से वो लोग जो ईमान की हालत में ईमान की हालत में रहें उनसे मोहब्बत करते थे हमें भी चाहिए कि आले बैत में से जो ईमान की हालत में हैं उनसे मोहब्बत करें फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मोमिन उम्मतियों से मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि मेरे वो मोमिन उम्मती जो मेरे भाई बाद में आएंगे मुझे देखे बग़ैर मेरे ऊपर ईमान रखेंगे मैं उनसे मिलने की तमन्ना रखता हूँ अल्लाह अकबर तो हमें भी चाहिए कि मोमिन आपस में भाई भाई, भाई बनकर रहें एक दूसरे से मोहब्बत करें कि नबी से मोहब्बत की अलामत है नबी के हकूक में से एक और एक हक यह है कि नबी पर दरूद भेजा जाए नबीन्ना का नाम आते ही दरूद पड़ना है आपने हदीस बारह सुनी है कि प्यार नबी अलैहि सल्लम मेम्बर की पहली सीढ़ी पर कदम रखे फरमाया आमीन दूसरी सीढ़ी पर कदम रखे फरमाया आमीन तीसरी सीढ़ी पर कदम रखे फरमाया आमीन साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आज आपने ऐसा क्यों किया आमतौर से तो आप हर जुमा ऐसा नहीं करते हैं कहा कि फ़रिश्ते आए थे और जब्राइल ने तीन बदुआ की और उन बदुआओं पर मैंने आमीन कहा फरिश्ते की बदुआ जिस पर नबियों के सरदार प्यारे नबी सल्लम ने आमीन कही अब ये दुआ रिजेक्ट हो सकती है हरगिज़ ने कबूल होकर रहेगी कहा कि फरिश्ते आए और आने के बाद कहा कि देखो जिसको रमजान का महीना मिला और अपने गुनाहों की मफ्रत नहीं करवा सका बड़ा बदनसीब खाकालूद हो जाए वो मिलियामेट हो जाए मैंने कहा आमीन दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा फरिश्ते ने कहा जिसको बूढ़े मां बाप मिल जाए उनकी खिदमत करके जन्नती नहीं हो सका बदनसीब है नाकारा है बर्बाद हो जाए वो मैंने कहा आमीन तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा फरिश्ते ने कहा जिसके सामने नबी का नाम लिया जाए और वो दरूद ना पड़े वो खाक आलूद हो जाए जलील और उसवा हो जाए आप जिम्मेदारी के साथ बोलो कवाली में कितने दफा नबी का नाम आता है हाँ एक बार भी कोई दरूद पड़ता है ना कवानी गाने वाला ना सुनने वाला नहीं बस वो तो अपने जो तरज है धुन है म्यूजिक है उसी में मगन है वो हाँ हमें कहते हैं कि गुस्ताखे रसूल हम तो कौला रसूल सल्ला हर नबी के बाद पर वसल्लम बोलते प्यारे नबी वसल्लम हमारे दरस में बयानात में आपको कई मरतबा मिल जाएगा दरूद लेकिन याद रखो जो सिर्फ नाम के दावेदार हैं दरोद पढ़ते नहीं हैं पढ़ते हैं तो गलत तरीक़े से पढ़ते हैं नबी ने कहा कि दरूद अजान के बाद पढ़ो लेकिन अजान देने से पहले दरोद पढ़ते हैं जो कि बिदात है हाजरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने से नबी ने फरमाया कि देखो एक मरतबा दरूद भेजने से दस गुनाहें माफ दस दर्जात बुलंद और अल्लाह की तरफ से दस रहमतें नासिल होती है साबी ने आकर कहा बहुत प्यारी हद से सुन ले कहा कि अल्लाह के रसूल मैं अपने दुआ में सारे के सारा हिस्सा दरूद पढ़ना चाहता हूं दुआ में सिर्फ दरूद ही पढ़ना चाहता हूं यशरूब उन्होंने यह कहा कि देखो मैं दुआ में अपने दुआ में आधा हिस्सा दरूद पढ़ना चाहता हूं आधे हिस्से में मैं मांगना चाहता हूं तो नबी ने कहा कि अच्छी बात है अगर इससे भी ज्यादा कर लो तो और अच्छी बात है ठीक है काम करता हूं मैं पौना हिस्सा दरूद और पौ हिस्सा दुआ अच्छी बात है उससे भी ज्यादा करो तो और अच्छा है फिर साहबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल सारी दुआ में दरूद ही दरूद पढ़ता रहूंगा नबी ने फरमाया तब तो ईदन तकफी हमक व युग फरल का दम बुख तब तो तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा तेरे गम तेरी परेशानी तेरी तकलीफ को दूर कर दिया जाएगा अल्लाह कसरत से नबी पर दरूद पढ़ो कसरत से दरूद पढ़ो देखो दरूद आप जो अल्लाह से मांगते हो ना अगर उस दुआ में दरूद नहीं है तो आपकी दुआ मुअल्लक रहती है अल्लाह के पास उस वक्त तक काबिले कबूल नहीं जब तक आप दरूद ना पढ़ें लेकिन नबी का वसीला शिर्क है नबी का वसीला शिर्क है दरूद पढ़ना हम अल्लाह से मांग रहे हैं कि अल्लाह तो नबी पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमा ये आप समझना है वसीला शर्क है उसको अब गुलू नहीं करना है हमारे पास तो लोग कहते हैं लोग दरूद पढ़ते नहीं हम इतने दरूद के कायल हैं इब्न अल कैम ने किताब लिखी है जलाउल अफहाम जलाउल अफहाम फी फदल सलात अला खैरिल अनआम के दरूद की फजीलत के बारे में नबी पर दरूद की फजीलत के ताल्लुक से इतनी मोटी किताब है और उन्होंने पचासों मकाम का जिक्र किया जहां दरूद पढ़ना है मस्जिद में आ रहे हैं? दरूद पढ़ो क्या है हम सिर्फ इतनी दुआ जानते हैं अल्लाह मफ्ताली अब रहमतिक मुकम्मल दुआ देखो पहले बिसमिल्ला पढ़े बिमिल्ल वसला रसोल्लाफत अबवाब रहमतिक आज से अमल शुरू करो मस्जिद से जाते वक्त पहले बिसमिल्ल् दरूद अल्लाह اللهم असअल का من فضلك दरूद देखो इतने दरूद के मकामा है मेरे भाइयों और वो जो हदीस में नबी बताया कि सारे गम परेशानी दुख दर्द तकलीफ को अगर दूर करना है दरूद कसरत से पढ़ा करो ये दरूद नबी का एक हक़ है आखिरी बात नबी के हकूक के ताल्लुक से कि नबी की शान में गुलू करने से हमें बचना चाहिए नबी की शान में गुलू करने से हमें बचना चाहिए यानी नबी के मुकाम कितना ऊंचा कर दिए अल्लाह के मुकाम पे बिठा दिए अल्लाह के झोली में वहादत के सिवा क्या है जो कुछ मांगना है मांग लेंगे मोहम्मद से सल्म देखो ये खवाली पढ़ते मोहम्मद से लेकिन दरोद नहीं पड़ेंगे हाँ क्या है अल्लाह के पास वहादत है तोहीद है वो क्या देंगे भाई मांगना तो मोहम्मद से मांग लेंगे शर्ख है हा? आई मदीने के आका मुझे माफ कर दें माफी कौन करने वाला है माफ करने वाला अल्लाह है आप आप इनसे माफी मांग रहे हो वो ना तो आपने बार बार सुनी है बड़े मजे लेकर सुनते है, सुनाते हैं सफर मदीने का है और मैं नमदीदा नमदीदा हाँ कदम लरजीदा लरजीदा चला हूं एक मुजरिम की तरह जानी बे तयबा हाँ और जबी अफसुरदा अफसुरदा अरे मुजरिम अल्लाह के सामने खड़े हो जा नबी के दरबार में जाके क्या नबी माफ करेंगे क्या शिरक है किसी ने थाम लिया मेरे हाथ को और ना मैं कहा और मदीने का सफर यानी कह रहा है कि नबी ने मेरा हाथ थाम लिया वहां से तभी जा रहा हूं गुलामा ने मोहम्मद के क्या कहना देखो गुलाम किसके गुलाम है भाई अल्लाह के हैं ये गुलु है ये गुलु है, है। अजीब मौत के फरिश्ता आ गया कहते अब उसके बाद कहां जा रहे हैं वो बगदाद जा रहा है मौत तल जा बगदाद जा रहा हूं हमें बगदाद जा रहा और मौत फरिश्ते आया है किसका लग अरे ये सब हुक्म टाल दो, तो बगदाद वालों के पास जा रहा हूँ अल्लाह हिफाजत फरमाए हजुम्मत में कैसी जिहालत है और कैसे शिरको और खुराफात हैं नबी और अलिया के मुकाम को कैसे गुलू कर रहे हैं एक बात याद रखो इस्लाम का सारा खुलासा यही है और हमारा मनहज और हमारी मेथोडोलॉजी हमारी दावत भी यही है वो क्या है लोग कहते हैं हम लोग अलिया को मानते नहीं हैं हम बिल्कुल मानते हैं कहते हैं कि आईमा को इमामों को नहीं मानते गलत बात है हम उनको भी मानते है। हैं ये कहते हैं नबियों को मानते नहीं है फिर कहते हैं कि सहाबा अरे भाई फिर क्या है हम लोग कल के दिन ये भी कहते हैं कि अल्लाह को भी नहीं मानते हैं याद रखो मेरे भाई हमारे पास उसूल क्या जानते हैं ये इस्लाम का उसूल है इबादत अल्लाह की इबादत जो भी है वो अल्लाह की करो इबादत हम अल्लाह को छोड़ के किसी और की नहीं करते नबी की भी नहीं अवलिया की नहीं अंबिया की नहीं अतकिया नहीं और अवलिया नहीं और अयम्मा नहीं किसी की भी नहीं करते हैं बस समझ में आ गई इतात नबी की इतात फर्मा नबी की नबी की बात नहीं नबी की इतात नबी के सामने हम अंबिया नबी के सामने हम अयम्मा इमामों की बुजुर्गों की इतात नहीं करते और बड़े बुजुर्गों के अयम्मा की इज्जत Allah की इबादत नबी की इताद बड़े बुजुर्गों की इज्जत